नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां पर हम आपको सच्चाई से रूबरू करवाते हैं। और मिलते हैं आज कुछ आम लोगों से जो संत राम रहीम जी के शिष्य हैं, और पूछते हैं कि भाई 4 साल हो गए गुरु जी को गए हुए और आज भी आप यहां पर लाखों की संख्या में आए हैं, तो भाई गुरु जी में ऐसी कौन सी क्वालिटी है या उनमें ऐसी कौन सी खास बात है या उनमें ऐसा कौन सा कहते हैं शिक्षा ऐसी कौन सी सिखाई है आपको कि आप यहाँ पर लगातार बदस्तूर 4 साल से लगातार यहाँ पर हर महीने लोग आते हैं। तो पहले नाम जानते हैं इनका, नाम क्या है आपका? मेरा नाम पृथ्वीराज। कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली से। आप कहाँ से हैं? सुधीर नाम है मेरा और मैं दोराला से, मेरा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। सुमित दोराला से, दोराला दिल्ली से हैं, मेरठ से हैं और दोराला से भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं। भाई हमारा यही आपसे कहना जो अभी मैंने कहा था कि भाई इतना टाइम हो गया गुरु जी को गए हुए और यहाँ पर आप लगातार बदस्तूर यहाँ पर लोगों का आना जारी है, तो ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी क्वालिटी है गुरु जी में आपके कि यहाँ पर आप लगातार इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं? देखिए, क्वालिटी के बारे में मैं आपको बताऊं, मैं भी लगभग 15 साल की एज से यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ और हमारे पेरेंट्स भी यहाँ से लगातार जुड़े हुए रहे हैं। तो हमने अभी तक अपनी निगाह में, अपनी नज़र में, जब से मैं शुरू से यहाँ आ रहा हूँ डेरा सच्चा सौदा में, कभी कोई गलत काम, कभी कुछ नहीं ऐसा देखा और न पाया है। और लोगों के जो बीमारियां हैं, किसी की नौकरी है, जी किसी ने सच्चे दिल से श्रद्धा से जो चाहा है, लगभग उसकी सभी मनोकामना पूरी हुई है जी। तो अब मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि भाई यहाँ पर ये सुना जाता है कि यहाँ बहुत सारे कार्य चलाए जाते हैं, मानत भलाई कार्य चलाए जाते हैं, तो आपने आज तक क्या कोई ऐसा कार्य किया है? हाँ जी, हम लोग जो भी मतलब कि डेरे की तरफ से हुक्म होता है वो सेवा करते हैं, परमार्थ करते हैं। यहाँ खेती बाड़ी या ब्लड डोनेशन में ब्लड 6-7 बार ब्लड डोनेट किया है। जो भी हम लोगों को बताते हैं, हम सारी सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं हमेशा जी। एक खास चीज़ और है कि जो वर्दी आपने पहनी हुई है, इसके बारे में कुछ बताएंगे, क्या है वर्दी, कब से शुरू हुआ, किस लिए ये वर्दी बनाई गई, कुछ बताएंगे इसके बारे में? वर्दी के बारे में लगभग ये 16-17 साल हो गए हैं मतलब कि हम लोग इस वर्दी को लिए हुए जी। ज़्यादा तो हम इसके बारे में नहीं जानते, लेकिन 16-17 साल जो भी हमने तभी से वर्दी ले रखी जब से चालू हुई है। तो इस वर्दी को पहनने के लिए कुछ अलग करना पड़ता है या कुछ? हाँ, इसके लिए एक एफिडेविट भर के देना होता है कि हम ये अपनी मर्जी से ले रहे हैं और इसके हम जिम्मेदार खुद हैं। जो भी समाज सेवा में हम जाएंगे, कहीं भी आपातकालीन स्थितियों में जाना होता है, तो अगर कोई हमें कोई नुकसान होता है तो उसके हम जिम्मेदार खुद हैं। और जैसे एक फोर्स होती है उस तरीके से ये हम जिम्मेदारी लेते हैं खुद। तो किस किस तरीके का कार्य करते हैं आप इस वर्दी को पहनकर? जैसे कि अब सफाई अभियान किए हैं या कहीं बाढ़ आ गई या बर्फबारी होती है कहीं या सूखा पड़ता है, ऐसी जगहों पर जाते हैं सेवा के लिए। देखिए, इसका अंदाजा तो आप यहाँ आने वाले जो साध संगत कह सकते हैं इनसे ही लगा सकते हैं। और माननीय हाईकोर्ट का, माननीय इसका सीबीआई कोर्ट का जो भी फैसला है वो ठीक है, लेकिन अभी रास्ते खुले नहीं हैं और पूरी तरह से डिसीजन नहीं हो पाया है। अभी हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, तो अभी आप डिसीजन नहीं ले सकते कि ये सीबीआई ने फैसला दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने नहीं दिया है अभी जी। तो अब मेरा आखिरी में आपसे ये सवाल है कि भाई आपका सुप्रीम कोर्ट से या सरकार से कोई अपील हो? सरकार से हम यही अपील करेंगे कि लाखों करोड़ों श्रद्धा भावना लाखों करोड़ों लोगों की जुड़ी हुई है, लगभग 6.6 करोड़ लोग पूज्य गुरुजी से जुड़े हुए हैं। और जो भी सच हो, जो भी निर्णय हो, वो गुरुजी भी कहते आए हैं कि जो भी निर्णय सरकार का होगा सच होगा, हमें मान्य है, तो सरकार निष्पक्ष जाँच कराए इसकी जी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं कुछ लोग मेरठ से, दोराला से और गाजियाबाद से, तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।